तथा नौजवान मित्रों, जनजातीय गौरव दिवस के इस अहम दिवस पर और मैं महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर सभी ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स तथा कला साहित्य जगत से जुड़ी हुई जो हस्तियां आई उनका विशेष रूप से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले 10 तारीख को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित किया। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा पूरे देश में और पूरा सप्ताह इसको लेकर के कार्यक्रम होगा। आज स्वयं वो भोपाल में है और आप में से अनेकों को जानकारी है कि पहला म्यूजियम बिरसा मुंडा जी की स्मृति में रांची में आज उसका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। 15 अगस्त 2016 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी जब देश को संबोधित कर रहे थे तो एक ऐतिहासिक आह्वान उन्होंने किया था और मुझे लगता है कि मैं उसे उद्धृत करना चाहूँगा आपके बीच। स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास की बात होती है तो कुछ लोगों का बार बार जिक्र आता है, लेकिन जंगलों में रहने वाले ट्राइबल समुदाय ने देश की स्वाधीनता में जो योगदान दिया है वो अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उनके इतिहास, उनके त्याग के बारे में देश की नई पीढ़ी को बताया जाए, उन्हें इन महान नायकों के जीवन से रूबरू कराया जाए। बिरसा मुंडा एवं अन्य महान ट्राइबल स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति को समर्पित आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत ही खास है। यहाँ की भी नई पीढ़ी को ये जानने की आवश्यकता है कि आज जम्मू कश्मीर की समृद्धि और संस्कृति को हमारे ट्राइबल के पूर्वजों ने अपने खून पसीने से सींचा है और इस सामाजिक जीवन को नई ऊंचाई देने का प्रयास किया है। मित्रों, आज देश जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो इस मोड़ पर हमें स्वीकार करना होगा किन्हीं कारणों से जम्मू कश्मीर में हमारे ट्राइबल भाइयों बहनों को अधिकार जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। जिस चीज़ के वो हकदार थे किन्हीं किन्हीं कारणों से वो महरूम रह गए। जिस सामाजिक समानता, सामाजिक सद्भाव और समतामूलक समाज की स्थापना की परिकल्पना हमारे नायकों ने, ट्राइबल नायकों ने की थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, उसे हकीकत में जामा नहीं पहना सके। बशीर बद्र साहब का एक शेर से बखूबी बयां करता है कि एक चेहरा साथ साथ रहा जो मिला नहीं, किसको तलाश करते रहे कुछ पता नहीं, किसने जलाई बस्तियां बाजार क्यों लूटे, मैं चांद पर गया था मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। आज़ादी के बाद ऐसा क्या हुआ इसके बारे में बहुत से लोगों ने चिंतन किया होगा, लिखा होगा अपने जीवन के आखिरी वक्त में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी हैरान थे कि ट्राइबल काउंसिल बनाने के बावजूद जिन ट्राइबल समुदाय के लोगों ने स्वाधीनता संघर्ष में इतना बड़ा योगदान दिया वो पीछे कैसे छूट गए और उनका संघर्ष आज की पीढ़ी को बताने के लिए मैं एक छोटी बात कहना चाहूँगा। 1930 के आसपास मध्य प्रदेश में ट्राइबल समुदाय के लोग एक गाना गाते थे जिसका जिक्र इतिहासकार वेरियर एल्विन ने अपनी किताब में किया है और उस गीत को मैं दोहराना चाहूँगा। जमींदार बैठा है गांव में दरवाजे में कोतवाल,
वो कोतवार लिखा है उस कविता में, बगीचों में पटवारी खेतों में सरकार, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है, जीना कितना मुश्किल, ये उस समय की कविता है। और अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए अभी जिक्र हुआ बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का, उनके साथ साथ रानी गाईदिनल्लू, अल्लूरी सीतारमन, राजू, कोमाराम भीम, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ख्वाजा नायक, सीताराम कंवर, भीमा नायक, अनेक नाम लिए जा सकते हैं। ऐसे नायकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान किया, लेकिन उसके बाद भी दशकों तक ये समुदाय सामाजिक न्याय एवं नई सामाजिक व्यवस्था की आस लगाए बैठा हुआ था। जम्मू कश्मीर में ट्राइबल समुदाय की एक बड़ी आबादी जो सालों से उपेक्षा और भेदभाव का शिकार हो रही थी, मैं मानता हूं उसे बराबरी का हक दिलाने में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे अहम योगदान है। अभी जिक्र हुआ है फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करने का, लाखों हमारे समुदाय के लोग पहली बार, मुझे लगता है कि न्यायोचित स्थान इन्हें मिला है बराबरी का हक दिलाने के लिए। संविधान में आरक्षण सहित जो अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं उनका पूरी तरह से पालन हो, ये हम सब ईमानदारी से कोशिश करेंगे। जैसा डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी जी ने बताया, 15 नवंबर से 22 नवंबर तक सप्ताह भर चलने वाले जनजातीय गौरव समारोह के आयोजन में अनेक कार्यक्रम होने वाले हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में ट्राइबल समुदाय के नायकों की उपलब्धियाँ, भारत सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी ढांचे और कौशल विकास के लिए अनेक कल्याणकारी उपाय किए जाएंगे, प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अद्वितीय आदिवासी सांस्कृतिक विरासत जो है, अधिकारों, परंपराओं, व्यंजनों, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी देश में और जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होंगे, चर्चाएँ होंगी। इसके साथ ये बताना आवश्यक है कि कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में कई फैसले, मैं मानता हूँ कि बड़े निर्णय ट्राइबल भाई बहनों के लिए किए गए हैं और नई पीढ़ी विकास की मुख्य धारा से जुड़े, वास्तविक धरातल पर सामाजिक समता की व्यवस्था लागू हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। मैं मानता हूँ ये प्रयास पर्याप्त नहीं है, वक्त लगेगा, लेकिन हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि ट्राइबल समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रूप से जो उनका हक है उन्हें संपन्न बनाने की हर कोशिश की जाएगी, हर प्रकार से की जाएगी। कल सहकारिता सप्ताह के समारोह में मैं था, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी भी थे, फारूक खान साहब भी थे। मैंने एक बात वहाँ कही थी कि जब फॉरेस्ट राइट एक्ट के सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम श्रीनगर और जम्मू में हो रहा था तो कई ऐसे भाइयों से मैं मिला था जो शायद पहली बार जम्मू या श्रीनगर आए थे, किसी मंच पर वो चढ़े हों ऐसा दिखाई नहीं पड़ता था। और ये बात निश्चित रूप से किसी भी संवेदनशील मनुष्य को चोट पहुँचाती है। स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि आज तक उन्हें देश के बाकी लोगों के बराबर क्यों नहीं लाए गए, क्या वो इसके हकदार नहीं हैं, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं हैं, क्या आज इस सभा में उपस्थित लोग मान सकते हैं कि ट्राइबल समुदाय और दूसरे वर्ग में अब कोई अंतर नहीं है। मैं समझता हूं कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद अगर ये अंतर है तो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था में दोष है और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, और इस गैर बराबरी को ख़त्म करना जम्मू कश्मीर या देश की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है, ऐसा मैं मानता हूँ। और यही सबसे बड़ा प्रश्न है जिस पर हमें विचार भी करना है और लक्ष्य भी प्राप्त करने हैं, इसके लिए संकल्प भी लेना है, कार्यक्रम भी करने हैं। 15-16 महीनों में मैं अनेक डेलीगेशन से मिला, उनसे चर्चा की है, समझने की कोशिश की है, और मुझे लगा है कि धरती के जो मूल निवासी हैं आदिवासी समाज, उनकी स्थिति में सुधार के लिए एक प्रयास अभी प्रारंभ हुआ है,
लेकिन रास्ता बहुत लंबा है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। योजनाबद्ध ढंग से कुछ निर्णय लिए गए हैं, आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आपकी परिस्थितियों को समझ करके, ताकि सामाजिक भेदभाव से मुक्त समाज बनाया जा सके और इस स्वप्न को जम्मू कश्मीर में साकार करने की हर कोशिश हम सब करेंगे। मुझे याद है यहाँ कुछ साथी बैठे हुए हैं, 1 अप्रैल को मैं राजभवन में ट्राइबल समुदाय के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल से मिला था, उनसे चर्चा की थी, देर तक चर्चा की थी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई थी और उस दिन जरूर मन को पीड़ा भी हुई थी और तब ये लगा था कि इस व्यवस्था में जो भी सुधार करना है, जो भी निर्णय लेने, उसे उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और फिर वो कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि हम सब इसे मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। आज ट्राइबल समुदाय के जीवन के अभिन्न अंग जमीन, जंगल और पानी के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय, हुनर, साज सामान उपलब्ध कराकर समयबद्ध तरीके से शक्ति संपन्न बनाना, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। एक निर्णय अभी हुआ है 8 जगहों पर ट्रांजिट एकोमोडेशन बनाने का, 28 करोड़ रुपए की लागत से यह काम होगा। हर ट्रांजिट एकोमोडेशन में 150-200 हमारे भाई बहन रह सकेंगे। जानवरों के लिए भी वहाँ अलग से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी तय किया है प्रशासन ने कि अतिरिक्त टेंट का भी वहाँ इंतजाम रखा जाएगा ताकि कोई कठिनाई न हो। एकोमोडेशन के अलावा मेडिकल की सुविधा, जानवरों के लिए भी डिस्पेंसरी और पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था भी करने की कोशिश की जाएगी, ताकि सम्मानजनक ढंग से हमारे ये भाई बहन सुविधापूर्ण जीवन यापन कर सकें। जम्मू कश्मीर प्रशासन एक ट्राइबल हेल्थ प्लान पर भी काम कर रहा है। डॉक्टर साहिद इकबाल चौधरी और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, और इसमें धनराशि भी इन लोगों ने आवंटित की है। जो अस्थाई आबादी है उसके लिए हेल्थ सब सेंटर बनाने का काम, और माइग्रेटरी आबादी के लिए मोबाइल मेडिकल केयर यूनिट, उसमें डॉक्टर भी हो, दवाइयाँ भी हों, जांच की सुविधा भी हो, ये नेशनल हेल्थ मिशन और हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारा ट्राइबल डिपार्टमेंट मिलकर के इस पर काम कर रहे हैं। 29 क्लस्टर ट्राइबल मॉडल विलेज, 17 मिल्क विलेज का काम आदिवासी या ट्राइबल इलाकों में किया जा रहा है। सितंबर में ट्राइबल डिपार्टमेंट ने युवाओं के अस्थाई रोजगार के लिए मिनी सी फार्म तथा डेयरी यूनिट के जरिए 3000 ट्राइबल समुदाय के नौजवानों को इंटरप्रेन्योर बनाने का एक लक्ष्य हम सब ने तय किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि टारगेट से ज़्यादा 4500 ट्राइबल समुदाय के नौजवान युवाओं को 3 महीने के अंदर इंटरप्रेन्योर बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। मैं डॉक्टर साहिद इकबाल चौधरी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में युवाओं को ट्रेनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी मुहैया कराने की कोशिश हो रही है। अकेले डेयरी सेक्टर में उनकी प्रगति के लिए प्रशासन की ओर से 16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस वर्ष पिछले साल की तुलना में 42,000 अतिरिक्त ट्राइबल बच्चों को स्कॉलरशिप मुहैया कराई गई है और इस महीने के आखिरी सप्ताह में 40 करोड़ रुपए की लागत से 200 ट्राइबल गांवों में स्मार्ट स्कूल भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। पिछले साल जम्मू कश्मीर के ट्राइबल समुदाय के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए मैंने स्वयं भी कुछ जर्नल पढ़े, कुछ किताबें पढ़ी, उन्हीं के जरिए राही साहब, अब्दुल गनी साहब, बेग साहब, गुप्ता जी के बारे में जानने का मुझे मौका मिला, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों के जरिए यूटी के ट्राइबल समुदाय पर उल्लेखनीय और सराहनीय काम किया है। ऐसे सभी स्कॉलर्स तथा और भी जो चिंतक और रिसर्चर्स हैं, उनको संस्थागत सपोर्ट के लिए ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का निर्णय पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अब उस काम को शुरू कर दिया है साहिद इकबाल चौधरी ने, और 2022 तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा।
आउटरीच एक्टिविटी कल्चरल इवेंट के लिए भी इसमें बजट का प्रोविजन होगा। ये ट्राइबल रिसर्च सेंटर भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का सपना था, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में इसे 2016 में स्थापित करने का निर्णय किया था। इन्हीं कारणों से अब तक नहीं हो सका था। ट्राइबल समुदाय की अमूल्य धरोहरें, कलाकृतियाँ, गोजरी पहाड़ी के साहित्य नई पीढ़ी में स्वाभिमान की भावना जागृत करें, इसका प्रयास किया जाएगा। पूंछ तथा जम्मू में ट्राइबल म्यूजियम और रिसर्च सेंटर बनाने का भी निर्णय किया गया। ट्राइबल समुदाय के पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानी दी, अब नई पीढ़ी को अलग तरह की कुर्बानी देने की जरूरत है। अब सच्चे दिल से आदिवासी समाज की सेवा करते जाएं, संस्कृति को सहेजते जाएं, तो मुझे लगता है कि अपनी संस्कृति को सहेजना, अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर चलना, और डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे, डॉक्टर बिरसा मुंडा ने जो सामाजिक बुराइयां थी उनको भी समाप्त करना, ये समाज का भी दायित्व है, केवल सरकार और प्रशासन करे मैं समझता हूँ। तो इस पर खासतौर से जो हमारे बुजुर्गवार हैं, जो विद्वत जन हैं, उनसे मेरा निवेदन, इसका एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। इस दिशा में नई पीढ़ी को साक्षरता की ताकत प्रदान करना, उनको शिक्षित बनाना, ऐसे 1521 सीजनल स्कूल माइग्रेटरी रूट पर, 2 रेजिडेंशियल स्कूल, 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को टैबलेट, ये सब व्यवस्था भी शिक्षा विभाग कर रहा है। कई बार जब नीतियाँ बनती हैं तो जमीन की वस्तु स्थिति क्या है उसका सही आकलन नहीं हो पाता है, और इसलिए माइग्रेटरी पैटर्न का अध्ययन करना और तब निर्णय करना, स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करना और फिर उस प्रकार की नीतियाँ बनाना, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहिद इकबाल चौधरी ने इस काम को बखूबी किया है। बाकी लोग भी जो हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि इसको हमें ठीक से करने की आवश्यकता है। ट्राइबल समुदाय को इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्लान में शामिल कर लिया गया है। सभी डिप्टी कमिश्नर और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के 350 ऐसे गांव हैं जिनका सर्वे किया गया है, जहां 500 से ज़्यादा ट्राइबल भाइयों बहनों की जनसंख्या है या 50% आबादी वहाँ ट्राइबल समुदाय की है। और प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में केंद्रीय ट्राइबल मिनिस्ट्री ऐसी हर पंचायत को करीब करीब 22,62,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। अतिरिक्त धनराशि की भी व्यवस्था जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से किया जाएगा। ट्राइबल समुदाय के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश हो रही है। शुरुआत में 500 ऐसे बच्चों को चयनित करके उन्हें एडवांस ट्रेनिंग जैसे पायलट, रोबोटिक्स, मैनेजमेंट अनेक क्षेत्रों में दी जाएगी। कम से कम 300 स्किल सेट का चयन किया गया है, जिसमें आपकी रुचि होगी उस हिसाब से इन नौजवान बच्चों को ट्रेनिंग देने का इंतजाम किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय ट्राइबल टूरिस्ट विलेज बनाने का भी किया गया है। पहले चरण में ऐसे 15 गांवों का चयन करके 3 करोड़ की धनराशि से इस काम को शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा अगर इस समुदाय से कोई युवा साथी अपना टूरिज्म का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे 10,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता तथा ट्रेनिंग अविलंब उपलब्ध कराने का फैसला हम सब ने किया है, और इस पर कोई संख्या सीमित नहीं है। जितने भी युवा इससे जुड़ना चाहते हैं ट्राइबल समुदाय के, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप ट्रेनिंग करिए और काम शुरू करिए, इसके लिए कोई संख्या सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त मिशन यूथ के अंतर्गत 1.5 दर्जन से ज़्यादा कार्यक्रमों का लाभ भी ट्राइबल समुदाय के युवा बच्चों और बच्चियों तक पहुँचे, इसकी कोशिश की जा रही है। एक बड़ी समस्या है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की थी, उसे भी निर्णय हमने कर लिया है और ट्राइफेड के साथ समझौता भी हो गया है, जिससे आदिवासी परिवारों को फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को चुनने का इंफ्रास्ट्रक्चर, पैकेजिंग, मार्केटिंग जैसी सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी। 15 ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्लस्टर भी बनाए जा रहे हैं, जिन्हें प्रति ग्रुप को 15,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
ये अधिकार जम्मू कश्मीर में किसी कारण से पहले नहीं था, फॉरेस्ट एक्ट तब लागू हो गया है और कितना हो गया, 21,000 के आसपास आवेदन आए थे उस समय तक। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए प्रशासन को भी और मुझे लगता है खुद भी, गलत लोगों को ये अधिकार न मिले। मुझे लगता है कि उससे व्यवस्था या हम जिसको लाभ देना चाहते हैं, जो वास्तव में पात्र व्यक्ति, उसको लाभ मिलेगा तो ही इसका मूल रूप से मकसद पूरा हो पाएगा। मित्रों, बिरसा मुंडा और उनके जैसे स्वतंत्रता संघर्ष के अनेक योद्धाओं की सच्ची श्रद्धांजलि मैं समझता हूँ यही होगी कि हमारे जो ट्राइबल भाई बहन बच्चे हैं वो भी समाज के बाकी लोगों से बराबरी के साथ, सम्मान के साथ खड़े हो सकें और देश के बाकी लोगों को जो सुविधाएं हैं, जो स्तर है, उनका स्तर भी वही हो, यही असली श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि जिस समुदाय ने देश के आज़ादी में इतनी बड़ी कुर्बानी दी, मुझे लगता है कि उसके साथ अन्याय हो ये पूरे देश के लिए कलंक की बात होगी। अभी नाम लिया गया, पुंछ की माली बेगम को कौन भूल सकता है, 1971 के युद्ध में जो सीमावर्ती जिला हमारा पुंछ है, दुश्मनों के हाथ में जाने से बचा, तो उसमें उनका बड़ा भारी योगदान है। इसी कड़ी में 1965 के युद्ध के हीरो मोहम्मद दीन जागीर भी हैं, जिन्हें बाद में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा भी था। मैं मानता हूँ कि समाज में अलख जगाने का काम चिंतक और कलाकार ही करते हैं, साहित्यकार ही करते हैं। मैं ऐसे सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि ट्राइबल डिपार्टमेंट शिद्दत से कोशिश कर रहा है। मैं आपसे भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप भी ट्राइबल विभाग के साथ जुड़ करके आदिवासी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में जितना आप सहयोग कर सकते हैं, आपसे मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप कृपा करके सहयोग करिए, ताकि इसको सहेज के रखना, मैं समझता हूँ ये अत्यंत आवश्यक है समय के हिसाब से। समाज एक शरीर की तरह होता है, जब सभी अंग काम करते हैं तभी मैं समझता हूँ कि पूरा काम होता है। इसलिए हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी इस बड़े वंचित वर्ग के अधिकार उन्हें निश्चित रूप से समय सीमा के भीतर दिए जाएं, क्योंकि जब वो अधिकार संपन्न होंगे तभी सामाजिक समरसता की बात करना ईमानदारी होगी। जब तक ये अधिकार संपन्न नहीं होंगे, मुझे लगता है कि ये बेमानी है जम्मू कश्मीर में एक अच्छी व्यवस्था कायम हो सकेगी। हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, उनके सपनों को पूरा करने का दायित्व हम सबके कंधों पर आया है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगर सही रास्ते पर हम चलेंगे तो जल्द ही लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। मैं फिर से आपको जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं और अंत में दो पंक्तियों से अपनी बात खत्म करूंगा कि तारों के चिलमनों से कोई झांकता भी हो, तारों के चिलमनों से कोई झांकता भी हो, इस कायनात में कोई मंजर नया भी हो, इतनी सियाह रात में किसको सदाए दूं, ऐसा चिराग दे जो कभी बोलता भी हो, जो कभी बोलता भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।